जैक द रिपर एक ऐसा हैवान था जो लोगों को मारता तो था और साथ ही असामान्य तरीके से उनके शरीर को क्षति पहुंचाई। आज हम आपको इसी गुमनाम हैवान के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जैक द रिपर 1819 के दशक का एक अज्ञात सीरियल किलर था। उसे व्हाइट चैपल मर्डरर और लेदर रैपर नाम से भी जाना जाता था। जैक द रिपर ने 1888 में लंदन को आतंकित किया, कम से कम 5 महिलाओं की हत्या की और असामान्य तरीके से उनके शरीर को क्षति पहुंचाई। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन ने आयरिश प्रवासियों की अधिकता का अनुभव किया, जिन्होंने लंदन के ईस्ट एंड सहित प्रमुख शहरों की आबादी को बढ़ा दिया। 1882 से यहूदी शरणार्थी नरसंहार से भागने के लिए पूर्वी यूरोप के एक ही क्षेत्र में जाकर बस गए। इसकी वजह से बहुत गरीबी फैली, जिसने औरतों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया। इस दौरान ईस्ट एंड में महिलाओं के खिलाफ बड़ी संख्या में हमलों ने इस बात को जोड़ा है कि एक ही व्यक्ति द्वारा ना जाने कितने पीड़ितों की हत्या की गई। 3 अप्रैल 1888 से 13 फरवरी 1891 के दौरान की गई अलग अलग हत्याएं लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस की जांच में शामिल थीं और पुलिस फाइल्स में सामूहिक रूप से व्हाइट चैपल मर्डर्स के रूप में जानी जाती थीं। ज्यादातर विशेषज्ञ गहरे घाव की ओर इशारा करते हैं और साथ ही साथ उन औरतों के पेट, एब्डोमिनल और जेनिटल एरिया में विकृति भी पाई गई। पीड़ितों के कई अंग भी गायब थे और चेहरे पर भी कई विकृतियां पाई गईं। इस बात से यह साबित होता है कि यह कातिल ह्यूमन एनाटॉमी की अच्छी खासी समझ रखता था। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन ने आयरिश प्रवासियों की अधिकता का अनुभव किया, जिन्होंने लंदन के ईस्ट एंड सहित प्रमुख शहरों की आबादी को बढ़ा दिया। 1882 से यहूदी शरणार्थी नरसंहार से भागने के लिए पूर्वी यूरोप के एक ही क्षेत्र में जाकर बस गए। इसकी वजह से बहुत गरीबी फैली, जिसने औरतों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया। इस दौरान ईस्ट एंड में महिलाओं के खिलाफ बड़ी संख्या में हमलों ने इस बात को जोड़ा है कि एक ही व्यक्ति द्वारा ना जाने कितने पीड़ितों की हत्या की गई। 3 अप्रैल 1888 से 13 फरवरी 1891 के दौरान की गई अलग अलग हत्याएं लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस की जांच में शामिल थीं और पुलिस फाइल्स में सामूहिक रूप से व्हाइट चैपल मर्डर्स के रूप में जानी जाती थीं। ज्यादातर विशेषज्ञ गहरे घाव की ओर इशारा करते हैं और साथ ही साथ उन औरतों के पेट, एब्डोमिनल और जेनिटल एरिया में विकृति भी पाई गई। पीड़ितों के कई अंग भी गायब थे और चेहरे पर भी कई विकृतियां पाई गईं। इस बात से यह साबित होता है कि यह कातिल ह्यूमन एनाटॉमी की अच्छी खासी समझ रखता था। एक युवा महिला के ऊपर 3 टीन्स द्वारा 3 अप्रैल 1888 को हमला किया गया था और उसके अंगों को क्षति पहुंचाई गई थी, यहां तक कि उसके मुंह तक को काट दिया गया था। एक और महिला थी जिसे 7 अगस्त 1888 को मारा गया। उसके गले, फेफड़े, हृदय, लिवर, स्प्लीन और पेट में छुरे के गाव हो गए थे और अंतरिक्त अंगों को भी क्षति पहुंचाई गई थी। द कैनोनिकल 5 रिपर विक्टिम्स जो कि थे मेरी एन निकोलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडवीज और मेरी जेन खेली, इनकी हत्या रिपर द्वारा की गई ऐसा मानना है। 5 हत्याओं में से प्रत्येक को रात में, एक सप्ताह के अंत में या एक महीने के अंत में मारा गया था। निकोलस का कोई अंग नहीं मिला। चैपमैन के यूट्रस और उसके ब्लैडर और वजाइना के वर्गों को लिया गया। एडवीज के पास उसका यूट्रस था और गुर्दे को हटा दिया गया था और उसके चेहरे को विकृत कर दिया गया था। केली के शरीर को बड़े पैमाने पर खराब किया गया था और उसके चेहरे के साथ अत्यंत खराबी की गई थी। उसकी गर्दन के टिश्यूज को हड्डी से अलग कर दिया गया था। हालांकि दिल इस अपराध स्थल से गायब एकमात्र शरीर अंग था। कहा जाता है कि हत्यारा एक शिक्षित उच्च वर्ग का व्यक्ति था, संभवतः एक डॉक्टर या अभिजात व्यक्ति। हत्याओं के बाद सालों से प्रस्तावित संदिग्धों में वस्तुतः किसी का भी समकालीन दस्तावेजों द्वारा मामले से जुड़ा होना शामिल है। साथ ही कई प्रसिद्ध नाम भी हैं जिन्हें पुलिस जांच में कभी नहीं माना गया था। उस समय जीवित सभी लोग अब मर चुके हैं।
जैक रिपर की पहचान और पेशे के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन अधिकारियों को उनमें से किसी पर भी सहमति नहीं है और नामित संदिग्धों की संख्या 100 से अधिक तक पहुंच जाती है। मामले में निरंतर रुचि के बावजूद रिपर की पहचान अज्ञात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।